दिव्यांग सेवा संस्थान राधोगढ़ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर दिया धरना। इन लोगों की मांग है कि जो ज्ञापन देने आए हैं उसको खुद कलेक्टर आकर लें। वहीं इनके ज्ञापन में चार बिंदुओं में अपनी मांगे रखी गई थी, जिसमें किराए में छूट एवं अस्पतालों में दिव्यांगों के साथ किए जा रहे शौचालय व्यवहार के संबंध में बात रखी गयी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार, और जब से नवांगत है हम गुना में नए कलेक्टर साहब ने पदभार संभाला है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। हम 1 से 1.5 महीने से उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो दिव्यांगों की कुछ समस्याओं पर ध्यान दिया है अभी तक, और ना ही हमें मिलने के लिए समय दिया है। हमारी चार प्रमुख मांगें थी सर। एक तो हम 1 बीघा ज़मीन की मांग कर रहे थे, जिस पर दिव्यांगों के लिए कैसा उद्योग लगाया जाएगा जिसमें प्रारंभिक रूप से लगभग 100 लोगों को, कम से कम 100 लोगों को रोज़गार दिया जा सके, क्योंकि जो काम सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए वो काम हमारी संस्था करने का एक प्रयास कर रही है। दूसरी मांग हमारी यह थी सर के स्वास्थ्य विभाग की निरंतर दिव्यांगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप बुधवार के दिन जाकर देखिए, दिव्यांगों की जानवरों से बेकार स्थिति है, ना ही तो कोई स्टाफ उनसे तरीके से बात करता, और ना ही उनके जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं वो उचित मापदंडों पर बनाए जाते हैं। तीसरी मांग हमारी ये थी सर के 2016 में माननीय राज्यपाल महोदय ने यह आदेश जारी किया है कि सभी दिव्यांगों का किराया सभी बसों में 50% लगेगा। ये कार्ड भी हमें जारी कर दिए हैं गुना RTO के द्वारा। इन कार्डों को ना तो बस वाले स्वीकार कर रहे हैं और ना हमारे दिव्यांग भाइयों से ठीक से बात कर रहे हैं और उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। ये कार्ड बना के दिया है, बस वालों का ये कहना है कि ये कार्ड नहीं, हमारे पास नहीं चलेगा, हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।